Hello everyone. Today we are going to see something new. वो new क्या है? हमने odd numbers तो already पढ़ा हुआ है कि odd numbers क्या होते हैं? जिन numbers के pair नहीं बनते हैं. जब हम pair बनाए, जब हम दो-दो का pair बनाने लगे, तो एक उसमें unpaired रह जाता है, उसे हम odd numbers कहते हैं. तो odd numbers सीखने और सिखाने के तो बहुत सारे तरीके हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि ऑड नंबर्स हमने सिखा तो दिया बच्चों को, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि कौन कौन से नंबर्स ऑड हैं. तो उसे हम याद कैसे रखें? याद रखने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक अच्छी सी पोयम. ये पोयम को अगर हम रिदम में याद कर लें तो हमें डेफिनेटली ये ऑड नंबर्स भी याद हो जाएंगे. जो भी नंबर्स के लास्ट वाला डिजिट, वो वंस प्लेस वाला डिजिट, अगर आपका 13579 है तो वो होल नंबर, वो पूरा नंबर आपका ऑड नंबर कहलाता है. तो देखिए हम ऑड नंबर्स को कैसे याद रखेंगे. हमारी पोएम कुछ इस तरह से है. देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ डॉग एंड ऑड वॉज इट्स नेम. तो चलिए पढ़ते हैं. देयर वॉज ए फार्मर हु हैड अ डॉग. There was a farmer who had a dog, and odd was its name. Oh, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, and odd was its name. Oh, there was a farmer who had a dog. There was a farmer who had a dog, and odd was its name. Oh, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, and odd was its name. If you learn this poem beautifully in this rhythmic way, अगर आप उसको अच्छे से learn कर लेंगे, I can challenge you that you will never forget odd numbers. और इसी तरह से हम और भी कुछ rhymes सीखेंगे जिससे कि हम mathematics को easy बना सकें.